हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ स्लीपिंग मास्क के बारे में। स्लीपिंग मास्क कैसे यूज़ करना चाहिए है, क्यों यूज़ करना चाहिए है, कितना बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए, यूज़ करना चाहिए है तो किन स्किन टाइप वालों को यूज़ करना चाहिए है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन सा स्लीपिंग मास्क मीन्स किस इंग्रेडिएंट का स्लीपिंग मास्क मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आज इस वीडियो में। डिटेल में पूरी बात करेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, प्लस और माइनस पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ रोज एंड जेरेनियम का एज डिफाइनिंग स्लीप मास्क, जो कि है गुड वाइब्स की तरफ से। ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स में से है एंड मैं इसको ट्राई करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे परचेज किया था एंड मैं इसे ऑलरेडी यूज करना भी शुरू कर चुकी हूँ। बात कर लें इसके पैकेजिंग के बारे में, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में हमें रिसीव हो जाती है। गोल्डन कलर की कैप है, यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल मिल जाती है, काफी ज्यादा क्लासी सी पैकेजिंग लगती है एंड यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है। ये आपको MRP एंड बेस्ट बिफोर मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि आपको उसे किसे कितने टाइम के पीरियड के अंदर यूज करना है। अच्छी खासी इसकी शेल्फ लाइफ है एंड ये हैं इसके की इंग्रेडिएंट्स। अगर आप चाहें तो आप इसे पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। कुछ ऐसा सा दिखता है, अंदर से देख लें अगर इसको तो ये यहाँ पर आपको मिल जाती है एक लिड ब्राउन कलर की, जिससे कि प्रोडक्ट स्पिल आउट ना हो। और ये है प्रोडक्ट इसका अंदर से, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको कुछ प्रोडक्ट मिल जाता है। इसे यूज करते हुए मुझे ऑलमोस्ट वीक के ऊपर हो चुका है, 10 दिन के करीब हो रहे हैं लगभग एंड आप देख सकते हैं ये इतना खाली भी है। तो कुछ ऐसा सा है, ये दिख रहा है रोज एंड जेरेनियम का है, तो मुझे लगा था रोज है इसमें तो ये कुछ पिंकिश पिंकिश काइंड ऑफ होगा, बट ये पिंक कलर नहीं है, काइंड ऑफ ऑरेंजिश मिक्स है इसमें, आप पीच कलर इसको कह सकते हैं। तो कुछ ऐसा सा ये दिखता है एंड इसकी फ्रेग्रेंस की अगर बात कर ले तो बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल भी आपको बॉदर नहीं करने वाली है। थोड़ी देर बाद ये फेड आउट भी हो जाती है, तो ये कहीं से भी आपको बॉदर नहीं करेगी। तो अगर आपको फ्रेग्रेंस से इरिटेशन है, एलर्जी है, तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम नहीं करने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा माइल्ड फ्रेग्रेंस है। अब बात करें अगर बेनिफिट्स की, तो रोज के बेनिफिट्स क्या है, ये तो सभी को पता है कि ये रिंकल्स को बहुत ही ज्यादा रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को सूदन आउट करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन के टेक्स्चर को इवन आउट कर देता है। इसीलिए रोज के प्रोडक्ट को हमेशा आपको यूज करना चाहिए है, आपकी स्किन के लिए हर तरीके से ये बेनिफिशियल होता है। बात करें तो जेरेनियम क्या चीज है, तो इसके बेनिफिट्स होते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ही ज्यादा रिच होता है, तो आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स होने के साथ साथ आपकी स्किन को फॉर्म भी करता है और आपकी स्किन को टाइटन अप भी बहुत अच्छे से करता है। तो जो भी आपके और स्किन में अगर जैसे एजिंग साइंस होने लग जाते हैं या फिर बढ़ती उम्र के साथ में स्किन ढीली होने लग जाती है, वो चीज इसमें नहीं रहेगी, आपको बिल्कुल टाइटनेस अपने फेस की स्किन में नजर आएगी, महसूस होगी। अब इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि इसमें रोज और जेरेनियम दोनों ही है, तो दोनों के ही बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। स्किन का टेक्सचर भी आपका इवन आउट हो जाएगा, आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस, एजिंग साइंस जितने भी हैं वो भी रिड्यूस होंगे, आपकी स्किन भी टाइटन होगी और फॉर्म होगी, बहुत ही अच्छे से दिखेगी। अब बात करें कि इसको यूज कैसे किया जाता है, तो इसको यूज करने का बहुत ही सही तरीका है, आपको रात में केवल अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन आउट कर देना है। स्लीपिंग मास्क है, ऑब्वियसली बात है सोने से टाइम ही लगाना है आपको, अच्छे से फेस को क्लीन आउट कर लेना है, इवनली आपको अपने स्किन पर अप्लाई कर लेना है इसको, एक मास्क की तरीके से एकदम पतली से लेयर आपको लगा लेनी है एंड आपको इसे ओवरनाइट छोड़ देना है, मतलब आपको वो पतली से लेयर लगा करके ही सो जाना है। ये वैसा मास्क नहीं है कि जो आपको कुछ मिनट्स लगाने, 15-20 मिनट लगाने के बाद में आपको वॉश आउट करना पड़ना पड़े या फिर आपको उतनी देर वेट करना पड़े, नहीं, आपको ये स्किन पर ओवरनाइट छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि आपको इसके बेनिफिट्स पूरी रात के लिए मिल सके। ये प्रोडक्ट आपको ओवरनाइट छोड़ना है एंड सुबह उठ करके आपको नॉर्मल वाटर से, जैसे आप वॉश करते हैं और अपना फेस को, वैसे ही आपको वॉश कर लेना है एंड आपको इफेक्ट उसका नजर आएगा। ऑब्वियसली बात है, फेस वॉश करने के बाद में मॉर्निंग में आपको मॉइस्चराइजर या आपकी जो सनस्क्रीन है, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, आप डेली बेसिस पर करते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है एंड अगर आप डेली बेसिस पे इसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे। हर तरीके से आपकी स्किन को नरिश करता है, आपकी जो इतनी एजिंग साइंस है या सेगिंग स्किन हो रही है या स्किन पे डलनेस आ रही है, उन सबको ये रिमूव करेगा इसके रेगुलर यूसेज से। डेफिनेटली आपको ये यूज जरूर से करना चाहिए है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा ये प्रोडक्ट पसंद आया है।
डेली बेसिस पे यूज करने के लिए अच्छा इसलिए मुझे लगा क्योंकि ओवरनाइट आप जो भी प्रोडक्ट अपने फेस पे अपने स्किन पे यूज करते हैं वो आपके स्किन को एक अलग ही बेनिफिट दे करके जाता है। एंड रोज एंड जेरेनियम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से फॉर्म करते हैं, एजिंग साइंस को रिड्यूस करते हैं और इसीलिए डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है आपकी स्किन के लिए। सो बिल्कुल से आपको इसे एक ट्राई आउट जरूर से करना चाहिए है, या फिर आप में से और कितने लोग हैं जो इसको पहले से यूज कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो आज का जिसमें आपने जाना कि कौन स्लीपिंग मास्क जो आज मैंने आपके इस वीडियो में दिखाया है किस तरीके से यूज करना चाहिए, साथ ही साथ उसके क्या बेनिफिट्स हैं। डेफिनेटली आपको भी यूज करना चाहिए जिससे कि आपकी स्किन ग्लो करे, उस पर एजिंग साइंस न नजर आए, बहुत ही ज्यादा अच्छी रहे आपकी स्किन। समर सीजन्स में आपकी स्किन कहीं से भी डैमेज ना हो स्लीपिंग मास्क आपको जरूर से यूज करना चाहिए है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर जरा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में और सो मुझे सजेस्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में कि मैं और किस तरीके की वीडियोज बनाऊँ, आप क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर। यह था मेरा आज का वीडियो, जल्दी ही मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।